दोस्तों स्वागत है आपका इंस्टेंट मैंगो चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप यूनिटी के अंदर एक नॉर्मल लेजर बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिनमें लेजर का यूज़ किया गया है गेम ऑब्जेक्ट को या आपके प्लेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कैसे आप नॉर्मल तरीके से लेजर बना सकते हो, और इसमें अगर आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या आप पार्टिकल सिस्टम का यूज़ करना चाहते हो तो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बट मैं जो बेसिक है उसके लेज़र के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आप हमें कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आप हमें बताना चाहते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना गेम रन करके दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से मैंने लेजर बनाया हुआ है, कैसे वर्क करता है, और मैं आपको जस्ट बेसिक इसको बता दूँगा एंड देन उसके बाद आपको अपने गेम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है एंड देन उस चीज़ को फॉलो करना है। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग लर्निंग के काफ़ी ट्यूटोरियल पोस्ट कर चुके हैं एंड्रॉयड के, यूनिटी के, जावा के, और आप उन्हें जाके देख सकते हैं। वर्जन कंट्रोल्स भी एंड्रॉयड और यूनिटी में पोस्ट कर चुके हैं। तो चलिए मैं इसे रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह से मेरा गेम वर्क करता है। तो मैंने खोल लिया अपना गेम मैजिक बॉल एंड देन दोस्तों इसको प्ले करते हैं। और यहाँ पे सामने आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि सामने एक गन है एंड देन वहाँ से लेज़र निकल रही है। तो मैं तो दोस्तों इसे कंटिन्यूसली लेज़र को निकाल रहा हूँ। आप इसे मैनेज करना चाहते हैं तो आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं कोरोटीन का यूज़ करके। बट आप देख सकते हैं कि अभी मेरा बॉल लेज़र से टकराया नहीं, जो लेज़र लाइन मूव कर रही है तो मेरा बॉल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। चलिए मैं दोबारा इसे बॉल को लेके जाता हूँ, और आप देखोगे कि जब मैं बॉल से लेजर से टकराता हूँ तो मेरी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि वन बॉल कम हो जाता है। आप दोबारा ध्यान से देखो तो जब भी मेरी बॉल से लेजर टकराती है तो गेम ओवर हो जाता है एंड मेरी बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। आप उस समय पे क्या कंडीशन लगाना चाहते हो कि जब आपकी लेज़र बॉल से टकराए तो क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको जस्ट बताने वाला हूँ कि कहाँ पे क्या कोड लिखना है। दोस्तों इस लेज़र को बनाने में जो पूरा कमाल है वो है रेकास्ट का। आपने रेकास्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। रेकास्ट दोस्तों सोर्स और डेस्टिनेशन की डायरेक्शन को बताता है। तो इसमें हमने कुछ नहीं करा है, मैंने जस्ट सिंपली एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। बस अंतर यह है कि मैंने एक सर्किल के अंदर लिया हुआ है। तो आप इसे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट कहीं भी ले सकते हो। मैंने गन लिया है तो गन के अंदर मैंने एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लिया है और उसका नाम दे दिया है लेज़र। देखिए मैंने लेज़र नाम दे दिया है, एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है और गन के अंदर लिया है क्योंकि मुझे गन भी दिखानी थी। अब दोस्तों लेज़र पे आपको जस्ट जाना है एंड वहाँ पे एड कंपोनेंट जो आप एड करते हो वहाँ पे आपको एड करना है लाइन रेंडरर। अगर आपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तो आपको पता होगा कि गेम ऑब्जेक्ट पे जाके एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड देन नाम लिखते हैं लेज़र। मैंने ऐसा कर लिया। अब उसके बाद आपको जाना है एंड लेज़र के ऊपर आपको सर्च करना है लाइन रेंडरर। लाइन रेंडरर आप सर्च करोगे इस कंपोनेंट को एड करने के बाद, उसके अंदर आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी लाइक कॉस्ट शैडोज, रिसीव शैडो। तो इनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर आप शैडो देखना चाहते हो आई थिंक आपको नीड नहीं होगी तो आप उससे ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि मटेरियल। अगर आप लेजर डाल रहे हो तो ये ज़रूरी है कि आपका जो मटेरियल हो, जो आपका टेक्सचर हो, वो ग्लोइंग लाइन होनी चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया है। आप अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से या खुद फोटोशॉप में जाके आप एक ग्लोइंग लाइन बना सकते हैं जैसा लगना चाहिए कि ये लेज़र का पार्ट है। आप देख सकते हैं ये मेरा मटेरियल है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट राइट क्लिक करना है एंड मटेरियल पे जाना है। मैंने मटेरियल लिया एंड देन आपका क्रिएट हो जाएगा एंड देन उसके बाद आपको इस शेडर में जाके आपको क्लिक करना है पार्टिकल सिस्टम एंड एडिटिव।
जब आप पार्टिकल सिस्टम एंड एडिटिव करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आता है, और उस टेक्सचर को आपको इस पार्टिकल एडिटिव पे ऐड कर देना है। तो मैंने इसे ऐड कर दिया और ये मेरा मटेरियल तैयार हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, लाइन रेंडर में जाके आपके मटेरियल को पास करना है। आप देखोगे कि यहाँ पे मटेरियल दिया हुआ है एलिमेंट जीरो, तो वहाँ पे मैंने अपना मटेरियल पास कर दिया। तो सिंपल स्टेप था, आपने एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट लिया, लाइन रेंडर ऐड किया एंड देन मटेरियल लिया, उसको अपने लाइन रेंडर के अंदर ऐड कर लिया। अब दोस्तों आपका 80% काम हो चुका है। अब जो 20% काम है वो आपको लेजर स्क्रिप्ट में करनी है, उस पर एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है जिसका नाम लेजर होगा। एंड देन दोस्तों आपको सिंपल एक रे कास्ट यूज़ करना है अपडेट मेथड के अंदर। इसमें दोस्तों क्या होगा कि एक रे निकलेगी आपके सोर्स से और वो सामने की तरफ जाएगी, और उसके बीच में आपने देखा होगा रे कास्ट हीट एक ऐसा वेरिएबल हो जाता है कि जो भी रे के बीच में ऑब्जेक्ट आते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन रखता है कि रे किससे टकरा रही है। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं कि कहाँ से हमारी रे स्टार्ट होनी है, कहाँ पे जानी है और कितनी दूर जानी है, और इफ़ के अंदर से ट्रू या फॉल्स में आता है दोस्तों रिटर्न। अगर आपने कोलाइड कहीं बीच में होता है तो उसे ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। और यहाँ पे आप डेस्टिनेशन आउट हिट के बाद 5 मिनट डाला है, तो मेरा है कि किसने एरिया तक मेरी रे जानी चाहिए। आप उसे जस्ट एक दो बार बॉल को ले जाके चेक कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी डेस्टिनेशन सही होगी, 5, 10 या 500 और 1000। एंड देन दोस्तों उसके बाद मैंने डिबग कराया है जस्ट चेक करने के लिए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है कि अगर आपको लाइव देखनी है तो आपको लाइव की एक अलग स्क्रिप्ट बनानी है। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखी एल सेवल पैनल एक मेरी दूसरी स्क्रिप्ट है, वहाँ पे मैंने वहाँ से मैंने इसको रेफरेंस ले लिया है। एंड उस स्क्रिप्ट में मैंने लाइव की एक कोड लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं टारगेट को मैंने यहाँ रेफरेंस लिया, टारगेट इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि टारगेट अगर टकरा गया है लेजर से तो टारगेट डॉट टेक डैमेज लेजर। अब जो आप टेक डैमेज लेजर देख रहे हो ये मेथड है मेरा टारगेट जो एल सेवल पैनल है उसमें। तो टेक डैमेज लेजर में क्या करना है, आपको जो भी एक लाइफ लेनी है उसमें और उसको डिक्रीज कर देना है। तो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि मेरा कैसे स्क्रिप्ट है, और ये जस्ट बेसिक तरीका है। आपको मैं एल सेवल पैनल में ले चलता हूँ, और आप किसी भी तरह से उस चीज़ को कर सकते हो क्योंकि आपको एक लाइफ लेनी है। सपोज आपने लाइफ 10 ले लिया एंड देन उसमें आपको डिक्रीज कर लेना है जब भी आपका कोलाइडर से टकराता है, जब भी आपका गेम ऑब्जेक्ट लेजर से टकराता है। तो ये मेरा बेसिक तरीका है, मैंने अलग तरीके से किया हुआ है, मेरे को अपने बॉल की नंबर को कम करना है। तो आप देख सकते हैं टेक डैमेज लेजर में मैंने क्या किया है, अब बॉल कहाँ से आ रही है उसकी चिंता मत कीजिए आप, बट बॉल्स को मैंने 1 डिक्रीज़ कर दिया है जब भी मेरी बॉल लेजर से टकराएगी। तो इस तरह से मैंने इसको कर लिया है, और जो भी आपको कोड लिखना है आप टेक डैमेज के अंदर लिख सकते हैं। और ये मेरा प्लेयर प्रिपेयर के थ्रू बॉल 7 मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, बट आपको जस्ट क्या करना है, कोई भी लाइफ लेनी है आप उनको डिक्रीज़ कर सकते हैं, बॉल है या कुछ भी है, तो आपको लाइफ को अपने हिसाब से मैनेज करना है। और यहाँ से मैंने उसको रेफरेंस पास कर लिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हैं, मैंने जस्ट वहाँ पे एल सेवल पैनल का एज अ कंपोनेंट रेफरेंस ले लिया है, जैसे कि आप इस तरह से कर सकते हैं फ्लोट लाइव इक्वल टू 10। अब यहाँ पे लाइव की वैल्यू डिक्रीज कर सकते हैं 1 से या 5 से या 10 से, तो लाइव की वैल्यू मैंने कुछ डिक्रीज कर दी। और डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो कि जो भी गेम ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक स्क्रिप्ट है दोस्तों, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप लेजर पे कैसे काम कर सकते हो। अगर आप पार्टिकल सिस्टम ऐड करना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, बट मेरी उतनी रिक्वायरमेंट थी नहीं उस तरह की कि मैं यहाँ पर पार्टिकल सिस्टम यूज़ करूँ। आप अपने लिए पार्टिकल सिस्टम अगर यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, बट आप फाइनली देख सकते हैं कि जो रे कास्ट है उसी का यूज़ करके हमने सारा काम कर लिया है।
और इसमें आप देख सकते हैं कि जो कोलाइड होती है, टारगेट इज नॉट नल, इसमें मैंने टारगेट डॉट यानी टारगेट एक मेरा ऑब्जेक्ट है एंड उसके थ्रू टेक डैमेज को मैंने कॉल कर लिया है। और उसके बाद मुझे दोस्तों कुछ नहीं करना पड़ा है, एल्स ऑल पैनल मेरा ए ही है। और उसके बाद मेरा कोड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जस्ट बेसिक है ट्रांसफॉर्म डॉट गेट गेट कंपोनेंट, आप इसे आसानी से कोई भी रेफरेंस गेट कर सकते हो जो भी स्क्रिप्ट लगाई गई है। और आपको जस्ट नाम मेक श्योर कि जो भी आपने स्क्रिप्ट लिया है, एल से ओन पैनल मैंने लिया है, आपने जो भी लिया है वो नाम गेट कंपोनेंट के बाद सेम रहना चाहिए और टारगेट के पहले भी सेम होना चाहिए, तब जाके आसानी से आपकी क्लास को एक्सेस की जाती है एंड देन उसको आपको टारगेट डॉट टेक डैमेज से कॉल कर लेना है। तो ठीक है, हमने इसे कॉल कर लिया और कैसे वर्क कर रहा है आपको आपने देख लिया इसे। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने कोड लिखा था तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कोड लिख दिए थे जो मुझे यूज़फुल नहीं दिख रहा था, तो मैंने जस्ट अपना दिमाग यूज़ करके कैसे क्या चल रहा है, क्योंकि रेकास्ट दोस्तों अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे तरीके से तो आपको बिल्कुल आइडिया होगा कि आप रेकास्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हो। रेकास्ट का बहुत ही अच्छा यूज़ है, जब भी आप गन से रिलेटेड आरपीजी गेम बनाते हो तो इस तरह के गेम में आप काफ़ी यूज़ कर सकते हो रेकास्ट का। तो मैं इसे रन करके तो आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप इसे देख सकते हैं। और लेज़र को जस्ट मैंने लिया हुआ है, अगर आप कुछ और लाइट वगैरह देना चाहते हो तो लेज़र के साथ आप एक डायरेक्शन लाइट भी एक ऐड कर सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो लाइन रेंडर लिया है आप उसको मैनेज कर सकते हो कि आप उसका टेल कितना चाहते हो। लाइक मैंने इसकी विड्थ आप देख सकते हो कि जब मैं ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसकी जो लेज़र की मोटाई है वो काफ़ी बढ़ जा रही है, तो मैंने जस्ट नॉर्मल नीचे रखा है कि ताकि मेरी लेज़र लेज़र की तरह दिखे, छोटी दिखे, पतली दिखे। और उसकी लेंथ को भी आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। और दोस्तों इसको अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के बाद निकले तो उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको कोरूटीन यूज़ करना है। और आपको पता होगा कि कोरूटीन एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद अगला कोड रन करता है, तो उस समय आपको लाइन रेंडर को या लेज़र को जो भी आपने यूज़ किया है लेज़र उसको सेट एक्टिव ट्रू से सेट एक्टिव फॉल्स करना है। अगर उस टाइम पे आप म्यूजिक भी प्ले करना चाहते हो तो आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो। और अगर आप जो थोड़े से गैप के बाद अगर लेज़र को रन करते हो तो उस तरह के लिए म्यूजिक यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है, बट अगर मैं कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ तो म्यूजिक उतना अच्छा नहीं था, इसके लिए मैंने ऐसा नहीं किया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ से हम लोग लर्निंग ट्यूटोरियल